हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस के ऑल रीजन कॉलेज वाइज पैनल एचआर नेम वाइज इंटरव्यू रिजल्ट ऑफर एंड ज्वाइनिंग अपडेट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग जो है इन तक जरूर देखना। और फिर अभी तक जो पता मैंने आपको अपडेट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, 5 डेट्स अभी तक रिलीज किए गए हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। 2nd, 3rd, 5th, 12th and 19th सितंबर ये 5 डेट अभी तक रिलीज किए गए और 3 आपको डेट्स देखने को मिलेंगे जो मैं आपको आने वाले दिनों में अपडेट कर दूंगा जब भी एमटॉप के साइट्स पे वो डेट्स ऐड हो जाते हैं। तो वैसे तो मैंने एमटॉप पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा, कैसे आप लोग भी टीसीएस के अपकमिंग ज्वाइन डेट्स को वहां से चेक कर सकते हो। यूट्यूब पर सर्च करना, आपको मेरे वीडियोज भी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अब बता दो फ्रेंड, मेरे पास जितने भी कॉलेज रीजन के अपडेट थे मैं ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। और आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना इंटरव्यू डेट, आपको बेसिकली कमेंट क्या करना पहले मैं वो चीज मैं आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है? बिकॉज दिस इज वीडियो रिलेटेड टू योर अपडेट्स ओनली, ओके? ताकि मैं आप लोगों को मैं अपडेट कर पाऊं कि आप लोग कमेंट क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कमेंट डाउन, ओके? ऑल जो वीडियो देख रहे हैं बस प्लीज आप लोग कमेंट डाउन करना है आप लोग को अपना इंटरव्यू डेट, ओके? इंटरव्यू डेट आपको मानना है, मान लो 22 जून को हुआ है तो आपको मेंशन करना है 22 जून, करेक्ट? आपको इंटरव्यू डेट बताना है और बताना है पैनल आपका कौन सा था, पैनल नंबर आपका कौन सा था, 062 भी आपका पैनल नंबर है वो, करेक्ट? आपका चाहो तो फ्रेंड स्लॉट भी बता सकते हो कि आपका 11 एम का स्लॉट है या 12 एम का स्लॉट है, जो भी आपका है प्लीज आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, ओके? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू से पहले आपको बताना है कि आप कौन से बैच से हो, ठीक है? कौन सा आपका रोल है, ओके? निंजा डिजिटल प्राइम जो भी आपका है प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना, ये इसी फॉर्मेट में आप लोग बताना, ठीक है? हो गया। लोकेशन कौन सा है आपका, लोकेशन प्लीज बताना। हो सके तो अपने कॉलेज का नेम भी बता देना, कौन से कॉलेज का नेम क्या है आपका, वो भी आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है? और आप लोग अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग इंटरव्यू देने के बाद आपके कॉलेज में जो लिस्ट पब्लिश किया गया है या नहीं, आपके कॉलेज से कोई लिस्ट आउट किया गया है या नहीं, यस या नो? अगर किया गया है तो यस करना है, नहीं किया गया है तो नो करना, प्लीज आप लोग ये चीज कमेंट करके आप लोग कमेंट करना। आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे, जिस जिस कॉलेज के अपडेट्स मेरे पास अवेलेबल थे, मैं ऑलरेडी मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। आप लोग मैं वीडियो प्रीवियस वाले वीडियोज में जाकर आप लोग इजिली जाकर वीडियोज को देख सकते हो, ठीक है? और हर एक रीजन का मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जितने हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक शेयर करो, ठीक है? ये आपका अपडेट हो गया, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, फिर यहाँ पर बता दो फिर टीसीएस जुलाई एनक्यूटी के एग्जाम रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, करेक्ट? ठीक है, और ये रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, ज्यादातर लोगों के पास जो है सिलेक्शन मेल देखने को नहीं मिला है, कुछ लोगों के पास सिलेक्शन मिला है, बाकी सबके पास अभी बहुत सारे पास अपडेट्स अब नहीं आए हैं आफ्टर राइटिंग एनक्यूटी एग्जाम, और कुछ लोगों के पास रिजेक्शन मेल भी आना चालू हो गए, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे वो बीपीएस हो, चाहे निंजा डिजिटल प्राइम हो, करेक्ट? और ऑफर लेटर भी ज्वाइनर भी लोगों के पास देखने को मिल रहे हैं, जिनके पास अभी तक नहीं आया अपडेट्स, डोंट वरी, इस वीक या नेक्स्ट वीक में आपके पास ऑफर लेटर देखने को मिलेंगे, ज्वाइनर भी देखने को मिलेंगे। कुछ रीजन के एचआर थोड़ा डिले रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट कुछ रीजन के एचआर बहुत जल्द अपडेट भी कर रहे हैं। ऑफर लेटर के साथ आपको ज्वाइनिंग रिटर्न सर्वे मेल भी देखने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो आप लोग डरने की कोई बात नहीं है। बोलोगे सर हमारे पास ऑफर लेटर भी नहीं है, ज्वाइन लेटर भी नहीं है, तो क्या हम लोग सितंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ज्वाइनिंग? डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर आपको टीचर्स के ऑफर और ज्वाइनिंग रिटर्न कन्फर्मेशन दोनों मेल आपको साथ में मिल सकते हैं, चांसेस है, ठीक है? और यहाँ पर आपका अपग्रेड हो चाहे डाउनग्रेड हो, ये आपको अभी अपडेट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पास अपडेट कॉलेजेस की तरफ से देखने को ऑलरेडी मिल चुका है, और जो लोग के पास अभी तक अपडेट्स नहीं आया है अपग्रेड या डाउनग्रेड ऑफर लेटर को लेकर, तो अभी आपको फिलहाल वेट करना होगा। आपके पास प्रॉपर अपडेट्स कंपनी खुद सेंड करेगी, अगर आपका ऑफर डिग्रेड होता है या फिर अपग्रेड होता है, प्रॉपर अपडेट्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग एक बार अपने कॉलेज से जरूर बात करें। 2024 बैच, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर कॉलेजेस, बिकॉज कॉलेजेस में सेकेंड लिस्ट भी पब्लिश होने के चांसेस हैं। एक बार अपने कॉलेज से बात करो, टीपीए से बात करो, क्या सर हमारा जो फर्स्ट लिस्ट आया था हमारा नाम उसमें नहीं था, एंड अगेन स्टिल आई एम गेटिंग द बेस्ट ऑप्शन, तो क्या चांसेस है कि सर सेकेंड लिस्ट देखने को मिलेगा? एक बार कॉलेज से बात करके कन्फर्म कर लेना, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में सेकेंड लिस्ट भी पब्लिश हो चुका है। टीएस तमिलनाडु, कोलकाता, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद के कुछ कॉलेजेस में सेकेंड लिस्ट भी आउट हो चुके हैं, 15 से 20 अगस्त के बीच में वो पब्लिश हो चुका था, करेक्ट? और अभी कोई भी कॉलेज का सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश नहीं किया जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, बट अभी आप लोगों को कमेंट में बताना आपके पास आपके कॉलेज में बात करो, फिर मुझे अपडेट करो कि आपके कॉलेज ने क्या आपको अपडेट करा है, ठीक है? व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू बी गेट सिलेक्टेड, ओके?
आप लोग का इंटरव्यू सिलेक्ट होने बाद आपका बेस्ट ऑप्शन ही रहेगा, फिर आपका ऑफर लेटर जनरेट हो जाएगा, देन आपका ऑफर लेटर वेरिफिकेशन मेल भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऑफर लेटर का मेल आएगा या फिर आपका डायरेक्ट जनरेट हो सकता है ऑन द पोर्टल, देन आपको जॉइनिंग रिटर्न सर्वे मिलेगा। और ये मैंडेटरी मेल है फ्रेंड, ये ऑलमोस्ट सभी के पास देखने को मिलेगा जॉइनिंग रिटर्न सर्वे मेल। जब भी आपका आईएलपी शेड्यूल और जॉइन लेटर जनरेट हो जाएगा आपके पास जॉइनिंग रिटर्न का मेल भी देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर आपको स्टार्ट करना है अपना बीजीसी प्रोसेस सेट वन सेट टू सेट थ्री, देन आपके पास एक्सप्लोर का मेल आएगा। क्या सर एक्सप्लोर का मेल कंप्लीट करना जरूरी है फॉर गेटिंग जॉइनिंग लेटर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आप लोग ऑफर लेटर के बाद ही आपके पास एक्सप्लोर का मेल देखने को मिलेगा, उसके बाद जो रेडीनेस आएगा फिर बीजीसी प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। एक्सप्लोर ट्रेनिंग कंप्लीट करो मत करो यहाँ पे डिपेंड करता है। फिर आपका एलपी एलिजिबल हो जाएगा, फिर आपका जॉइन लेटर जनरेट हो जाएगा ऑन योर पोर्टल, आपको वहाँ से एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। बाकी आप लोग जॉइन ऑनबोर्डिंग डेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो आप लोग ट्राई करो, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करो, बताओ अपडेट्स वगैरह, फिर मैं आपको कॉलेज वाइज में आपको अपडेट देने का ट्राई करूंगा, क्योंकि जहां तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं कैंडिडेट्स के पास, जिनका सिलेक्शन होता है उनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका लोगों का नहीं हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली आइदर यू विल गोइंग टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि आप रिजेक्टेड ही हो। अगर आपके सेम डेट में सेम कॉलेजेस में रिजल्ट आ चुके हैं, आपके दोस्त का आ चुका आपका नहीं आया, तो आप लोग ज्यादातर चांसेस है कि रिजेक्शन ही होगा और कुछ चांसेस है कि आपका सिलेक्शन मेल हो सकता है। तो ये प्रॉपर अपडेट्स है, तो प्लीज आप वीडियो को लगा तो ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अपडेट बताओ ताकि मैं आपको अपडेट कर पाऊँ, क्योंकि अपडेट्स मेरे पास बहुत कम बचे हुए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं सब कुछ मैं कवर अप कर चुका हूँ। ठीक है, सो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।